गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ऑडिबल प्रॉपरली? प्लीज कमेंट, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस मैडम। ओके, थैंक यू आकाश। सो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, सो लेट्स वेट फॉर समथिंग। ओके,
टीम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत लेट से सब ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ट्यूटोरियल 4.1 देखा था, राइट? नाउ 4.2, वी डोंट हैव मच टाइम, सो विल okay, write down everyone, tutorial 4.2. Different based logarithms. Different based logarithms. Okay, proper different based logarithms हमने नहीं देखे, क्यों? क्योंकि log based and log base e वाले actually इसमें included है, but वो हमने नहीं देखे हैं। हम सिलेबस में हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है, तो अगर कोई लॉग्स के टर्म्स है और उनके बेसिस अगर डिफरेंट है और कुछ प्रूव करना है तो क्या करना है, उस टाइप के एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, राइट? ओके, तो राइट डाउन एवरीवन, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन मैम, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। हाँ हाँ वेट, हाँ एक मिनट। अब ठीक है लाउडनेस या नहीं? यस मैम। ओके, तो एवरी टाइम आई नीड टू चेंज द सेटिंग, दैट्स व्हाई आई आस्क कि अच्छे से आवाज आ रही है या नहीं स्टार्टिंग में। ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन वन, प्रूव दैट नंबर वन, उसमें नंबर वन क्या प्रूव करना है, तो log x टू द बेस m प्लस
log x square to the base m square plus log x cube to the base m cube equals to 3 log x to the base m. ओके, ये सॉल्यूशन नहीं होता, इसको हम प्रूफ बोलते हैं. तो लेट्स राइट प्रूफ. तो हम एलएचएस लेते हैं, आरएचएस में कुछ है वो हमें प्रूफ करना है, राइट? तो एलएचएस लेते हैं, क्या दिया है? तो लॉग एक्स टू द बेस एम प्लस लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस एम स्क्वायर, साथ में लिखते जाना है, ठीक है? लॉग एक्स क्यूब टू द बेस एम क्यूब, दिस इज आर एलएचएस. Now, how to solve? See this RHS quantity क्या है? X और base में क्या है? M है. तो यहाँ पे see, ये तो है इस type की term. बस इसको कैसे हम solve करेंगे उसके हिसाब से. M square को M बनाना है, directly बना सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? इसको हम x बना सकते हैं कैसे? तो इसका पावर है जो वो आगे चला जाएगा. सिमिलरली इसको भी x बना सकते हैं, सी राइट? इसका पावर जो है वो आगे चला जाएगा. बट इन दोनों के लिए क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते अगर ये बेस में है तो, ठीक है? इस पे लॉग अगर लगा है तो हम ये x, ये जो स्क्वायर है क्यूब है उनको हम आगे ला सकते हैं. तो क्या करेंगे, दोनों को, इन दोनों को सेपरेटली, सिमिलर इन दोनों को भी सेपरेटली हम लॉग लगा देते हैं. तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? इसको एज इट इज रखो क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जो हमें चाहिए वो तो है ही, राइट? इसको हम सेपरेटली लॉग दे देते हैं. तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एम स्क्वायर, राइट? ऐसे लिख सकते हैं. देन सिमिलरली लॉग एक्स क्यूब अपॉन लॉग एम क्यूब. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर लास्ट सभी आपको, आपने लेक्चर अच्छे से अटेंड किए हैं तो ये समझ में आएगा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. What will be the next step? Power से square ने cube भी आगे भेज दिया. Yes, ये दोनों जो है वो आगे चले जाएंगे. ये सब, right? So this will be log x to the base m. This one will be as it is. Now this will be log x, 2 log x and 2 log m. Then 3 log x and 3 log m, right? This 2 will be cancel out, log x to the base m. Now see, ये क्या बचा? log x upon log m. Again हम ये वाली quantity के हिसाब से इसको लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? log x to the base m, log x to the base m. कितने times हुए? 3 times. So it's RHS has proved. ठीक है, इजी था कि फास्ट? मोटू राखो ना. ओके, कीप फास्ट एवरीवन. अब से ये ज्यादा टाइम आप जो ले रहे हो लिखने के लिए, मैं इतना टाइम नहीं दूंगी आपको. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपको साथ में लिखते जाना है, ये ध्यान में रखना है. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट हो गया है? एक मिनट में. हाँ,
विराज वेक्टर का भी ट्यूटोरियल हमें खत्म करना है। ओके ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। राइट डाउन ए वेयर इज बी टू इज टू बी નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે એટલે જસ્ટ જસ્ટ એક જ મિનિટ ઓકે હવે બરાબર આવે છે हाँ के ना ओके ओके पास्ट एवरीवन साथ में ही लिखते जाना है मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगी लिखने के लिए साथ में ही लिखते जाना है ओके ओके कैसे सॉल्व करोगे ये प्रूव करोगे जो आगे किया उसी हिसाब से जाना है ये सब को रिलेट करो सी आपको ये सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप के दिख रहे हैं तो सबको सेपरेटली लॉग दे दो ओके एलएचएस लॉग ए स्क्वायर बी क्यूब इनटू लॉग बी स्क्वायर ए क्यूब इनटू लॉग सी स्क्वायर ए क्यूब ओके नाउ सेपरेटली लॉग दे दो ए स्क्वायर अपॉन लॉग बी क्यूब इनटू log b square upon log a cube and log c square upon log a cube no this will be c cube right this is c cube okay now power kahan pe jayenge to aage coefficient mein so this will be 2 log a 3 log b into 2 log b upon 3 log c 2 log c upon 3 log a see this will be cancel out right to kya bacha upar 2 into 2 into 2 aur upon mein kya hai to 3 into 3 into 3 This is 8 and the denominator is 27 which is equal to RHS. Next, third. मैंने बताया था कि जल्दी से लिखना साथ में लिखते जाना आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो हम साथ में लिखते हैं समझ नहीं पाते हैं ठीक है तो अगर साथ में लिखते हैं तो सिर्फ ये पता चलता है कि मैम आप लिख के आ गए और हम सिर्फ उसको छाप रहे हैं मैम ओके ठीक है ठीक है
नेक्स्ट नहीं, थर्ड लिखती हूँ, अब से कर सकोगे तो ट्राई करो ये। ओके, लॉग जस्ट, हाँ ओके। नेक्स्ट जो है वो लिखो ये क्वेश्चन, और ये खुद से कर पाओगे आप। दिस यू नीड टू प्रूव। ये खुद से कर पाओगे इसलिए खुद से करो, ठीक है? नहीं होता तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी। क्या प्रूव करना है? इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। दो लॉग की क्वांटिटी दिख रही है, दोनों के बीच में क्या है? एडिशन है। तो हम क्या कर सकते हैं? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स इन टू वाई, राइट? तो हम लिखते हैं इसको इन टू करके। नाउ से ये किस टाइप का दिख रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप का। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, बट ब्रैकेट में, क्योंकि आगे नेगेटिव है साइन। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, लॉग वन विल बी जीरो। जिनको नहीं आ रहा था ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो गया सबका या बाकी है? डन एवरीवन और नॉट? ओके, नाउ नेक्स्ट। इस टाइप का हमने देखा है क्लास में, राइट? लेक्चर में या ये वाला देखा था, इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करोगे?
संतोष ने आई थिंक जवाब दिया था या ऋतिक ने, आई डोंट नो। क्या करोगे? सी इसको वन प्रूव करना है, मीन्स की लॉग एक्स टू द बेस एक्स इस टाइप का कुछ टर्म आएगा और इसकी वैल्यू वन होगी, राइट? क्योंकि बीच में एडिशन है तो क्लियरली ये कैंसल आउट तो नहीं होंगे, मल्टीप्लिकेशन होता तो कैंसल आउट हो सकते थे। तो अब क्या करना है, तो ये ऑब्जर्व करो, ये सब सेम है। अगर बेसिस सेम होते तो हम उनको मर्ज कर सकते थे। यस, क्या करना है, एबीसी को बेस बना देते हैं और इसको, हाँ एबीसी ने बेस बना, यस वेरी गुड, दोनों को ओके। हम ऐसे लिखते हैं लॉग एक्स टू दी बेस वाई, इसको वन अपॉन लॉग वाई टू दी बेस एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसका उल्टा हमें करना है ओके। तो बेसिस और ये जो है लॉग वाली क्वांटिटी वो इंटरचेंज हो जाएगी उनकी पोजीशन, तो ये लॉग ए टू दी बेस ए बी सी ऐसा हो जाएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी आप खुद से अब लिख सकते हो लॉग बी टू दी बेस ए बी सी एंड लॉग सी टू दी बेस ए बी सी। नाउ सी ऑल हैव सेम बेसिस, तो हम इनको मर्ज कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो ये क्या होगा लॉग ए इंटू बी इंटू सी, और बेसिस कॉमन है तो ए बी सी कॉमन है, तभी हम ऐसे मर्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे सिर्फ ए या कुछ बी, या तो फिर यहाँ पे सिर्फ सी है, तो हम नहीं कर सकते। तो ये log x to the base x type का दिख रहा है, तो this will be 1 which is equal to RHS. Okay, now fifth. One upon, इसी टाइप का थोड़ा बहुत है, वन अपॉन लॉग वाई जेड टू द बेस एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन लॉग जेड एक्स to the base y plus 1 plus 1 upon log x y to the base z plus 1 equals to 1. यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा होगा जस्ट, बाकी आगे वाला ही है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या कर सकते हो अब, सी आप इनको ऊपर नहीं लिख सकते, अगर आप इसको सिर्फ सॉल्व कर सकते लाइक लॉग एक वन अपॉन करके है, ये वन अपॉन ये वाई जेड और एक ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये पूरी पूरी क्वांटिटी को ऊपर नहीं ले सकते जैसे हम आगे किया, तो क्या करते हो इसमें आप, ये प्लस को हटाना पड़ेगा तभी आप ऊपर उसको ले सकते हो न्यूमरेटर में। हाँ ओके वेट, अत्यारे बराबर देखाई छे? हाँ ओके बराबर। क्या करोगे इसमें, सोच सकते हो कुछ क्या कर सकते हैं इसमें? इसको मर्ज कर सकते हो कैसे भी? सी अगर हम इस क्वांटिटी को न्यूमरेटर में लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में लेते हैं, तो हमारे पास मीन्स कि क्या फायदा होगा न्यूमरेटर में लेने का,
अगर मीन्स की क्या चाहिए तो हमें फायदा होगा, तो ये जो क्वांटिटीज है ना वो सबकी सेम होनी चाहिए, तभी जाके हमें कुछ फायदा होगा। लाइक आगे था, ये क्वांटिटी सबकी सेम है, जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है, तो कैसे सेम बना सकते हो? कोई आइडिया आ रहा है? ये वन की मदद से कुछ सेम जैसा कुछ बना सकते हो आप? इन सब को सेम बनाने के लिए यहां पे क्या कम पड़ रहा है? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आपको? बजाय मैं एक वस्तु घटे जे, हां पहला मासु घटे जे, पहले में क्या कम पड़ रहा है? एक, एक सेकंड में वाई और थर्ड में वाई, हां थर्ड में जेड। ठीक है, अब वन की मदद से कुछ सोच सकते हो आप? इनको इनको ऑब्जर्व करो, इनको ऑब्जर्व करो, कुछ सोच सकते हो वन का क्या कर सकते हैं हम? लॉग जेड टू जेड बेस जेड, हाँ। लॉग वाई टू बेस वाई, वो क्या कर सकते हैं? यस यस यस, सही है। ओके, फर्स्ट को हम लिख सकते हैं कि लॉग वाई जेड, जो मैंने आपको बताया कि हमें इसको इसके साथ मर्ज करना है, तो कैसे हम मर्ज कर सकते हैं? अगर यहाँ पे z x बेस में है तो इसको भी x बेस में रखना पड़ेगा, और x कम पड़ रहा है तो सी ये अल्टीमेटली 1 हो जाएगा, जो हमने 1 को रीराइट किया जस्ट। आ रहा है समझ में? देन सेकेंड क्वांटिटी विल बी 1 अपॉन लॉग z x टू द बेस y। अब इसको लिखो लॉग y टू द बेस y, और थर्ड को लिख सकते हैं थर्ड वन को लॉग जेड टू दी बेस जेड। ओके, अब इनको मर्ज करो मैडम। अरे रे, वेट वेट, बराबर देखा है जो मार्किंग करो। ओके ओके, हवे बराबर छे ऋतिक, देखाई छे? मैं LHS नु फर्स्ट स्टेप आखु लखी नाखु छे। ના મેં મી નથી દેખાતો, ખાલી ક્વેશ્ચન ને દેખાય, બાકીના ને દેખાય છે કે નહીં? તો ઋતિક તમારે ત્યાં પ્રોબ્લેમ હશે, હું લીવ થઈને પાછું। હા હા ઓકે, અબ હમ ઇસકો ક્યા કર સકતે હે? સી બેસિસ સેમ હે, દોનો કે બીચ મે એડિશન હે, તો હમ ક્યા કર સકતે? લોગ એ પ્લસ લોગ બી, તો લોગ એ ઇનટુ બી એસ લખી સકતે હે, તો લોગ ટુ ધ બેઝ એક્સ ઇતના કોમન હે, ઓર ઇસકો લખ સકતે હે લોગ એક્સ વાય ઝેડ। સિમિલરલી યે હોગા લોગ ટુ ધ બેઝ વાય ઓફ એક્સ વાય ઝેડ, ઓર સિમિલરલી યે ભી લોગ ટુ ધ બેઝ ઝેડ ઓફ એક્સ વાય ઝેડ। અબ સી આગે વાલા જો ક્વેશ્ચન હે ઇસી ટાઈપ કા હો ગયા। અબ ઇનકો ન્યુમરેટર મે લે લો, તો યે હો જાયેગા લોગ એક્સ टू दी बेस एक्स वाई जेड, दोनों की पोजिशन चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज। देन दिस विल बी लॉग वाई टू दी बेस एक्स वाई जेड एंड लॉग जेड टू दी बेस एक्स वाई जेड। नाउ लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ऑल ऑफ द टर्म्स हैव सेम बेसिस, सो वी कैन मर्ज देम एंड दिस विल बी लॉग एक्स वाई जेड टू दी बेस एक्स वाई जेड। Now see, this both quantities are same, so the answer will be 1, which is equal to right hand side term. Done, ma'am. ठीक है, easy है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी कॉपी दिस फ्रॉम। ओके
क्वेश्चन नंबर टू, डू एज डायरेक्टेड. Do as directed. उसमें first, if log x minus y upon 2 ऋतिक हुआ या नहीं upon 3 sorry equals to 1/2 equals to 1/2 of log x plus log y, then prove that, then prove that x square plus y square equals to 11xy. प्रूव कर सकते हो, ये ऐसा दिया है तो आपको ऐसे प्रूव करना है. सी वी आर गिवन लाइक दिस, सॉरी अपॉन 3 नॉट 2. कैसे प्रूव करोगे? बस टर्म्स को सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट. आपका ये प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली. क्या कर सकते हो आप इसमें? सी हमें जो प्रूव करना है उसमें लॉग की क्वांटिटी है नहीं, तो क्लियरली हमें दोनों साइड से लॉग कैंसिल आउट करना है, दैट्स इट. तो लॉग कैंसिल आउट कैसे कर सकते हो? यहाँ पे तो क्लियरली लॉग है, यहाँ पे हम कैंसिल आउट डायरेक्टली कर सकते हैं? नो. तो क्या करना होगा, क्या करोगे? एवरीवन क्या करोगे? लॉग एक्स है, उसके लॉग वाई है, तो फिर ये हो जाएगा लॉग. हाँ, ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई. अब इसको भी हटाना पड़ेगा, तभी जाके वो लॉग दोनों साइड से कैंसिल आउट होंगे. तो इसका क्या करना है? तो पावर में दे देंगे. हाँ, पावर में चला जाएगा. तो दिस विल बी लॉग एक्स वाई रेस टू 1/2, राइट. नाउ सी लॉग लॉग अब कैंसिल आउट हो सकते हैं. तो एक्स माइनस वाई अपॉन 3, अब तो साथ में लिखते जा सकते हो, ठीक है, ये लिखते जाओ. चलो ये एक्स वाई होल रेस टू है, एक्स वाई होल रेस टू, तो ब्रैकेट करना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो सिर्फ वाई रेस टू 1/2 हम कंसिडर कर सकते हैं इसको. अब सी हमें जो क्वांटिटी प्रूव करनी है उसमें स्क्वायर टाइप की क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं. इसका स्क्वायर, राइट. तो ये 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर, मीन्स की x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू xy. 9 जो है वो xy के साइड जाएगा, तो ये 9xy हो जाएगा. प्रूफ क्या करना है, सिर्फ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो माइनस 2xy को उस साइड लेके जाओ, इसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ 9 प्लस 2 विल बी 11. हो गया प्रूफ. ओके,
डन मैम ओके एक मिनट ओके Next question now. Dan Kripal or not? Screenshot le liyo. Dan ma'am. Okay. So now next second question. Isi type ka hai, isliye maine copy paste kiya. Now this one is log x plus y divided by 2 equals to 1/2 log x plus log y, then prove that x equals to y. I doubt ki ye solve ho payega ya nahi, I don't know. सेम वे से जाना है, क्या करना है, जो दिया है उसमें ये log x plus y है उसको हम लिख सकते हैं log x y, implies लिखो या therefore लिखो दोनों चल जाएगा. x plus y divided by 2 equals to log of x y raised to 1/2. ओके हो जाएगा, ठीक है. तो अब दोनों साइड हम लॉग क्लियरली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो दिस विल बी x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x y रेज टू 1/2. नाउ दोनों साइड स्क्वायर कर दो. ओके सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी 2 का स्क्वायर तो 4 इक्वल्स टू xy. दिस 4 विल गो टू दैट साइड ऑफ इक्वल टू साइन, इट विल बी 4xy. अब चलो आप खुद से सॉल्व करो, अब इजीली सॉल्व कर सकोगे ये. आपको x इक्वल्स टू y प्रूव करना है. ओके 4xy को इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 9xy plus y equals to 0. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर x माइनस y होल स्क्वायर. सो वी कैन राइट x माइनस y equals to 0 एंड हेंस x equals to y. हेंस प्रूव्ड. મેડમ આ શું કહ્યું તમે 4x વાળી બાજુ જાય તો પ્લસ થાય ને, પ્લસ માઇનસ કે ના આ છે આ સાઈડ આવે. હા બરાબર બરાબર બરાબર
मास्क Okay, and last question of this tutorial, question number 3, solve the given equations. Okay, solve the equations. Usme first hai. Log x. Means ki ye second tha, ab ye 3. Sum number 3, means sub question number 3. ओके ये 2 है लॉग 2x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 6 इक्वेशन को सॉल्व करना है इसका मीनिंग क्या हुआ तो इसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करना है ओके ये डूएस डायरेक्टेड का सम नंबर 3 है क्वेश्चन 3 का 3 तो ये सॉल्व करना है सो विल राइट सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको कैसे भी करके तो यू कैन सी द बेसिस आर सेम सो वी कैन मर्ज देम सो इट विल बी एक्स इनटू 2x राइट इक्वल्स टू 6 So 2x square to the base 2 equals to 6. What we can write? 2 raised to 6 equals to 2x square. So 2 raised to, okay, 2 cancel out ho jayenge kaise? So x square equals to 2 raised to 6 upon 2, that is 2 raised to 5. Yes. समझ में आ रहा है ये ओके तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेस टू 4 अब स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर होगा ऐसा दैट इज एक्स इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 2 मैडम 2 रेस टू क्या थी गई रूम क्या कयो कयो थर्ड स्टेप में 2 रेस टू 6 2 रेस टू 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हां बराबर हां वी हैव दिस a रेस टू m इक्वल्स टू x देन वी कैन राइट log x टू द बेस a इक्वल्स टू m a रेस टू m सी a रेस टू m इक्वल्स टू x तो ए रीते लख्यू छे And the second one, log 5x to the base x minus 3 equals to, चलो पीछे ही लिखते हैं क्योंकि इसमें शायद calculation ज्यादा हो, I don't know. Second, log 5x to the base x minus 3 equals to 2 plus log 2 to the base x.
कैसे भी करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करोगे? तो आपको लॉग के अलावा जो भी क्वांटिटीज दिख रही है उनको पहले सॉल्व आउट कर दो। तो ये क्या होगा, लाइक दिस, राइट? अब क्या कर सकते हो आप, हमें लॉग क्वांटिटी को कैंसिल आउट करने हैं, क्या कर सकते हो? तभी जाके हमें x की वैल्यू मिलेगी। क्या कर सकते हो? ये फाइव का क्या करोगे? अगर यहाँ पे लॉग होता तो आप ये दोनों को मर्ज कर सकते थे, सो दैट वो फिर ये लॉग के इस वाले लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाते। बट ये फाइव यहाँ पे बीच में है तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो आप फाइव का? No one? इतने सारे एग्जाम्पल किए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, क्या log x base x power x, हाँ सही है, yes yes सही है। फाइव को हम लिखेंगे फाइव log x to the base x। बेस x क्यों दिया, तो दोनों में बेस x है इसीलिए। तो हमने फाइव इंटू वन किया, वन को ऐसे लिखा, बाकी का सब एज इट इज। ओके अब LHS में माइनस थ्री सीख रहा है ना, हाँ ये माइनस थ्री इस तरह का है तो फाइव हो गया ना। यस सर, तो अब हम इसको लिखेंगे लॉग एक्स टू द बेस एक्स रेस टू फाइव। तो लॉग इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस एक्स ऑफ टू एक्स रेस टू फाइव। ओके नाउ दोनों साइड लॉग कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फाइव एक्स रेस टू टू एक्स रेस टू फाइव। एक काम करो, आप यहाँ पे प्लस कर दो ना। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर कुछ भी आए। x x दोनों साइड कैंसिल आउट होते हैं तो 5 इक्वल्स टू 2 x रेस टू 4 होगा। तो x रेस टू 4 हम क्या लिख सकते हैं, 5 by 2। तो x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 5 by 2 रेस टू 1 upon 4। दिस इज योर आंसर। समझ में आया सबको? ओके अब इतने क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ भी दिया जाए, अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, खुद से ऑब्जर्व करोगे तब जाके समझ में आएगा। बाकी मैं हर बार ऐसे सॉल्व कराऊंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है आपको। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ एक मिनट, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते बनो, मैं तब तक मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल का हेडिंग नेक्स्ट ट्यूटोरियल का हेडिंग मैं लिखती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें से लिख दो, मैं टाइम दे रही हूँ आपको।
ओके हो गया। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, कुछ कुछ यहाँ पे जो है ये सब मर्ज करने होंगे, ये तीनों के तीनों हमें, इसका कोई एक ही हम यहाँ पे बना रहे हैं ट्यूटोरियल, क्योंकि सब में अगर अलग अलग ट्यूटोरियल्स बनाने बैठेंगे तो सब में दो तीन क्वेश्चन ही बनेंगे, तो बेटर कि हम इनको मर्ज आउट कर सके कर दे। ओके यहाँ पे हम लिख देते हैं वेक्टर्स, जस्ट अ मोमेंट, एक मोमेंट। एवरीवन, आपको जो बुक्स है ना, आपकी लेक्चर बुक है ना, वो निकालो, लेक्चर बुक, क्योंकि उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। हमने ये क्वेश्चन नहीं किया है, सॉरी क्वेश्चंस इसके एक भी नहीं किए हैं हमने वेक्टर्स के, राइट? यस मैम। अभय अभी से क्यों दे रहे हो आप अटेंडेंस? ओके, मैंने यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड लिखाया था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। कुछ रेफरेंस बुक में इसको मॉड्यूल भी बोलते हैं, मॉड्यूल। तो क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो लिखाया था उसमें मॉड्यूलस मॉड्यूलस लिख दो साथ में, कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर्स को ऐसे भी आप बोल सकते हो, देन इट्स मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस। और मुझे यहाँ पे आपको ये ऐड कराना था, हम उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, जो भी यहाँ पे हमें चाहिए, जो भी टॉपिक्स, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट राइट डाउन यूनिट वेक्टर नोटबुक में। हाँ, नोटबुक में ही। अब नेक्स्ट लिखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। ओके, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से, अगर कोई ए बार कोई ऐसा
वेक्टर है तो हम उसके यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करेंगे, और यूनिट वेक्टर क्या होता है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, दैट विल बी इट्स यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर है ए बार उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, वो यूनिट वेक्टर होगा। अब इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोला जाता है, तो अगर ये एक कैप जो यूनिट वेक्टर है उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है लेंथ, अगर उसकी लेंथ फाइंड करोगे ना तो उसकी लेंथ 1 आएगी, इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट मीन्स की 1, राइट, तो इसीलिए उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होगी। तो यूनिट वेक्टर ऐसे फाइंड किया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है आप, डिनोमिनेटर क्या ये मोल्ड में है या ऐसे है? मोड में है, मॉड्यूलस ऑफ दिस, ये वाली क्वांटिटी है यहाँ पे ये। यस मैम। ओके, ओके नाउ अब ट्यूटोरियल पे आते हैं। ट्यूटोरियल पे यहाँ पे हम दो मर्ज करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, ऑफ वेक्टर्स, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। हम इसका एल्जेब्रा जो है वो हम पहले देख लेते हैं, बाद में जो भी हो वो हम बाद में देखेंगे। ओके, सो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, दैट इज ट्यूटोरियल नंबर 4.3। Okay, now write down the question number 1 here. Question number 1. Ma'am, a lab book ma. Lab book ma. 4.3. Find the magnitude. Ya to hum usko modulus bhi bolte hain, theek hai? Of the given vectors. And the magnitude ya to modulus of the given vectors, dono words refer kiye jaate hain, theek hai? First is a bar equals to 3, 4.
ओके अब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलस क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा राइट, सी दिस इज अ मॉड्यूलस। अगर वेक्टर कोई ऐसा है ए बार इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस का मीनिंग लेंथ होता है, ठीक है लेंथ, तो उसकी लेंथ क्या होती है, तो उसका मॉड्यूलस अगर यहाँ पे 1, 2, 3 है तो क्या करना है, सॉरी ये ए बार ये, तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, तो 1² + 2² + 3² वो स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही जाना, ये डेफिनेशन जो आपको दी है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही जाना यहाँ पे, तो क्या होगा इसका मॉड्यूलस, ओके ए बार का मॉड्यूलस ऐसे लिखते हैं, यस स्क्वायर रूट 3² + 4² दैट इज 3² 9, 4² 16, तो हुआ स्क्वायर रूट 25 और वो होता है 5। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ठीक है जस्ट समझने के लिए और कुछ नहीं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। अब प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे ये 3, 4 कहाँ पे आता है, 3, 4 यहाँ पे और 0, 0 यहाँ पे। हम ए बार को ऐसे लिख सकते हैं ए बार इक्वल्स टू ये 3, 4 - 0, 0, ओके तो 0, 0 से लेके यहाँ तक ये 3, 4 ये वाला वेक्टर, इसको ऐसा हम बोलेंगे 0, 0 से लेके 3, 4। अब अगर आप ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो और इसकी लेंथ फाइंड करो ना, तो वो प्रॉपरली आपको 5 ही मिलेगी, इसका मीनिंग ये हुआ 0, 0 से लेके 3, 4 तक, सिर्फ 3, 4 पॉइंट नहीं है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर इसको हम 3, 4 बोलेंगे राइट, इसको नहीं बोलेंगे, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक, ओके ज्योमेट्रिकली इसको ऐसे देखते हैं हम, ओके नेक्स्ट सेकेंड ए बार इक्वल्स टू बी बार लिखते हैं, चलो बी बार इक्वल्स टू 2 - 1 - 3। तो बी बार का मॉड्यूलस सेम वे से जाना है 2² - 1² - 3² तो ये क्या होगा 4 + 1 + 9 तो ये होगा स्क्वायर रूट 14। अब इसका कुछ नहीं होता तो ये एज इट इज, सिमिलरली थर्ड पी बार इक्वल्स टू -2, 5, 4 खुद से करो ट्राई, एंड फोर्थ वन इज डी बार इक्वल्स टू 3, 4, 11 -2² - 5² - 4² 4 + 25 + 16 क्या हो रहा है, ये स्क्वायर रूट 45। अब स्क्वायर रूट 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5 राइट, तो ये होगा 3 √5।
जनरली डी का मॉडुलस, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 11 स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 प्लस 121 इट्स 146। अब ये चेक करो कि ये किसी का स्क्वायर रूट हो रहा है। लेट मी चेक। नो, ये किसी हो रहा है स्क्वायर रूट, तो ये एज इट इज। हेलो मैम। हाँ मैम, जैसे कि अभी ग्राफ प्लॉट करके दिखाई मैम अभी। हाँ, तो इसका कैसे, जैसे दो नंबर का कैसे ग्राफ प्लॉट करें मैम? ये 3D में आप नहीं देख सकते, क्योंकि 3D में क्या होगा, 3 डायमेंशंस हमें देखनी है। 3 डायमेंशन 3D में देखना, फिर उसकी लेंथ तो आप ऑब्वियसली नहीं ढूंढ पाओगे 3D में, राइट? 2D में कैसे आप ये क्लियरली देख सकते कि यहाँ 1 2 3 लिया, 1 4 लिया, तो ये लेंथ आप, ये लेंथ आप क्लियरली ये मेजरमेंट से आप सॉल्व देख सकते हो स्केल लेके। 3D में आप कैसे देखोगे, उसमें तो स्केल यूज कर सकते हो। ओके, इसको आप, लेट मी चेक कि हम इसका क्या कर सकते हैं। इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। नो, इसके लिए कोई भी ग्राफ भी अवेलेबल नहीं है। लेट मी चेक, लेट मी सर्च कि अगर कोई ग्राफ्स ऐसे 3D वाले अवेलेबल है या नहीं। लेट मी सर्च। अगर हो सकता है तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यस, इसको हम लिखते हैं, कौन सा था ये नंबर, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, राइट? 2 माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 1 माइनस 3 यहाँ पे हो रहा है। Just a moment. What is this? I don't know. Just a moment. Let me check कि अगर हो पाता है तो। बहुत सारी इक्वेशंस यहाँ पे इसने इनपुट करके रखे हैं।
Oh, this is not being shown. आप लोगों को मेरी ये दिख रही है कि नई स्क्रीन? यस मैम। ये नहीं हो पा रहा है 3D में। ओके सो इसको इग्नोर करते हैं अब। ये नहीं हो पा रहा है 3D में। अगर मुझसे होता है ठीक है, मैं चेक करके दिखाऊंगी कहीं पे, तो अगर ये शो करता है 3D वाला कुछ भी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टू, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ऑफ द गिवन वेक्टर्स फर्स्ट इज ए बार इक्वल्स टू लेट्स से -3 -4। सेकेंड इज लेट्स से बी बार इक्वल्स टू -3 2 1 एंड थर्ड इज C bar equals to 3 no 12 13 and 0 okay तो unit vector के पहले तो हम definition देख ले। तो मैं आपको जो last में लिखाया unit vector is a cap right, और इसको हम क्या लिखते हैं, क्या क्या ये यूनिट वेक्टर है और उसको कैसे डिफाइन किए करता है करते हैं, ए बार अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ से वो वाले वेक्टर को डिवाइड कर लेना है, दैट्स इट। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, सी ये तो दिया है तो हमें फाइंड करना है ये, मीन्स की उसकी लेंथ फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। ओके तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो, -3² + 4² तो ये हुआ 9 + 16 दैट इज 25 और लेंथ मिल गई 5। नाउ यूनिट वेक्टर इज ए कैप विच इज इक्वल टू ए बार अपॉन इट्स लेंथ, दिस इज -3, -4 एंड इट्स लेंथ इज वी गॉट हियर 5, सो दिस विल बी -3 / 5, -4 / 5। ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो उनको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो पहले उसकी लेंथ फाइंड करनी होगी, क्यों, क्योंकि उससे उसको डिवाइड करना है। तो -3² / 2² / 1² योगा 9 + 4 + 1 ये क्या हुआ 9 + 4 = 13 एंड +1 = 14 ये कुछ नहीं हो पाएगा तो उसका एज इट इज रखते उसको। नाउ बी बार का यूनिट वेक्टर होगा बी कैप विच इज इक्वल टू बी बार अपॉन इट्स लेंथ। Now b bar is -3 2 1 and its length is √14. तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/√14 × -3 2 1 that's it।
ऐसे नीचे नहीं रखना है, ठीक है? अगर डिवाइड और इसको ऐसे लिखो, या तो इसके फॉर्म में लिखो, दोनों सही होगा। या तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -3/√14, √2/√14 एंड 1/√14। ये दोनों आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। नाउ ये थर्ड खुद से करो, चलो सब ये ट्राई, थर्ड वाला। ट्वेल्व बाय 313 और 13/313। क्या आया? 12/313। ओके, ओके, थर्टीन बाय 313। ठीक है। तो ये हुआ 144 + 169, तो ये 313 मिल रहा है। यस मैम। ओके, अब इसका कोई स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, राइट? तो इसको एज इट इज रखो। किसी का मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट हो रहा है? ये चेक। नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एज इट इज ही रखते हैं, चलो। ओके, सो सर ये सी कैप होगा। तो नाउ सी कैप इक्वल्स टू सी बार अपॉन मोड सी बार, दिस इज 12, 13 एंड 0, ओके, अपॉन √3, 1, 3। कुछ नहीं हो पाएगा इसका, तो हम लिखते हैं इसको 3, 1, 3 एज इट इज, और 12, 13, 0। ये हुआ आपका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट इफ एक्स बार इक्वल्स टू 5,2, वाई बार इक्वल्स टू 3,1 एंड जेड बार इक्वल्स टू -1, -3, देन फाइंड एक्स बार प्लस वाई बार माइनस 2z बार।
ओके क्या फाइंड करना है, एक्स बार प्लस वाई बार माइनस टू जेड बार, बहुत इजी है, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस टू जेड बार। तो एक्स बार इज 5,2 प्लस वाई बार एंड माइनस टू जेड बार। अब कल मैंने आपको एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज और एल्जेब्रिक ऑप्शंस लिखाई थी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन विथ अ स्केलर, कि वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो ये टू है, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू, टू इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस सिक्स। और एक बात मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम सभी ने बहुत गलती की थी, ये जो एग्जाम में पूछा था पी ए माइनस टू बी, तो आप माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। आप या तो इसको ऐसा कंसिडर करो या तो इसको ऐसा कंसिडर करो। अगर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, और सिर्फ टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव एज इट इज रहे। ये कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ टू लिया है। या तो मुझे ये माइनस टू अंदर लेना होता तो ये माइनस का हो जाता प्लस और माइनस टू अंदर मैं ले रही थी, तो माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज टू एंड माइनस टू इंटू माइनस थ्री दैट इज सिक्स और आगे प्लस। ये समझ में आ रहा है सबको? ओके अब इनको ऐड करो। ओके एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो जैसे मैट्राइसिस में करते थे, करस्पोंडिंग एंट्रीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट की बात हो रही है तो सबके फर्स्ट 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 ही। ओके मीन्स की 5 + 3 - -2 - -2 एंड 2 + 1 - -6 समझ में सबको? तो ये क्या होगा 5 + 3 + 2 10. क्या होगा 10, 3 + 6 9. तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है इसको। मैडम एक मिनट करो तो ऊपर। हाँ Done everyone? Okay. Now write down if A bar equals to, if A bar equals to I cap, या तो I bar B हो सकता है, ठीक है, plus 2J cap plus K cap comma B bar equals to 3I cap plus J cap minus 2K cap and C bar equals to 2i cap minus sorry plus j cap minus 3k cap minus 3k cap then find modulus of
a bar, no, not a bar, 2a bar minus 3b bar plus c bar. सी, अगर x बार का मॉड्यूलस है और x बार हमें दिया है a b c, तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, राइट? तो मींस कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास वो वेक्टर होना चाहिए. अब हमें बोला है कि इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मींस कि ये कोई एक वेक्टर होगा, एक वेक्टर होगा, तो ये कौन सा वेक्टर है वो हमें नहीं पता है, तो पहले हम ये वेक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, राइट? जैसे हमने यहाँ पे सी, ये क्वांटिटी है, वो हमें क्या मिला, वेक्टर मिला. तो ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे ये जो है वो क्वांटिटी, वो एक वेक्टर है, वो हम पहले फाइंड करते हैं, फिर उसका ये मॉड्यूलस जो है वो फिर बाद में हम फाइंड करते हैं. तो पहले ये क्वांटिटी क्या है ना, वो हम फाइंड कर देते हैं. ओके, तो ए बार हमें ऐसा दिया है, ए बार को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम, हमें पॉइंट टाइप का फॉर्म लिखना है, यहाँ पे आई जे के दिया है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1, 2, 1, राइट? बी बार को कैसे लिख सकते हैं, 3, 1, -2, एंड सी बार को लिख सकते हैं 2, 1, -3. कल मैंने आपको बताया था दोनों फॉर्म्स आई कैप के साथ जो भी है उसको एक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखो, जे कैप के साथ जो है वो वाई डायरेक्शन है, इसलिए उसको वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे लिखना है, और के कैप जो है वो जेड डायरेक्शन है, इसलिए उसको जेड कोऑर्डिनेट के साइड पे लिखना है. क्लियर? इतना समझ में आया सबको, हाँ या ना? या तो आप यही फॉर्म लेके आप अगर ये कैलकुलेशन कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं है. ओके, फिर ये बार बार से आपको आई जे के ये सब लिखना होगा, सो शॉर्ट एंड स्वीटली हम ये लिख देंगे पॉइंट टाइप के फॉर्म में. ओके, नाउ हम ये टर्म पहले कैलकुलेट करते हैं, दैट इज हम कैलकुलेट करते हैं 2a bar - 3b bar + c bar. तो 2a bar - 3b bar एंड प्लस सी बार, क्या होगा? तो 2, 4, 2 - 9, 3 - 6 और 2, 1 - 3. तो ये हो जाएगा 2 - 9 + 2, जो एक्स एक्स वाला जो आपको आई आई वाला दिख रहा है वो सब. ओके, करस्पोंडिंग जो साइन है उसको मेंटेन करना है आपको, कॉमा ये तीन, तो 4 - 3 + 1. समझ में आ रहा है सबको ये? ओके, और कॉमा करके जो ये के डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है उनको लेना है, तो 2 - -6 + -3. ओके, अब ये क्या बन रहा है वो चेक करो, तो 2 + 2 = 4, 4 - 1 - 9 - 5, ये होगा 1, 1 + 1 = 2, ये होगा 2 + 8 = 10 - 3 = 7. तो हमें ये क्वांटिटी जो है वो कोई एक वेक्टर मिला. अब इसका क्या करते हैं, मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो देयरफॉर द मॉड्यूलस ऑफ दिस, इसका मॉड्यूलस फॉर्म में करते हैं. इसका मॉड्यूलस कैसे फाइंड करोगे, तो सॉरी -5² + 2 -7 होगा, ये +8 - 3 = 5 होगा, 5
राइट, ये 8 प्लस 3, 8 माइनस 3 दैट इज 5, ओके ना, 5 और दैट इज 5 प्लस 4 प्लस 25, ये होता है ये 50 प्लस 34. अब ये किसी का हो रहा है स्क्वायर, 4 से डिवाइड करते हैं, अगर नहीं 4 से नहीं हो पाएगा यस 9 से होगा ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 into 6, तो ये होगा 3√6. क्या पुल स्लाइड? ओके मैडम, माइनस फाइव टू ने प्लस फाइव क्या थी, थर्ड प्लस फाइव आसू बहनू 8 2 प्लस 6 माइनस 3. हाँ बराबर डन. ओके सो नाउ नेक्स्ट थर्ड, इफ ए बार इक्वल्स टू 3k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, कैप को थोड़ा नीचे, ओके देन B bar equals to, let's say, minus 2j cap, minus I cap, and plus 3k cap. And C bar equals to I cap, minus 3k cap, plus j cap. Then find the unit vector of then find the unit vector of a bar plus b bar plus c bar. मान लो कि कोई ये वेक्टर, इसको हम d बार बोल देते हैं, ये कोई वेक्टर मिलेगा उसको हम d बार बोल देते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला ए बार बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. यस सही है, तो इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये वेक्टर तो चाहिए, इसके साथ इसका मॉड्यूलस भी चाहिए, मॉड्यूलस भी चाहिए राइट. तो इसका पहले मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं. अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए पहले तो ये क्वांटिटी क्या है, ये क्या वेक्टर बन रहा है वो हमें पता लगाना. तो डायरेक्टली हम पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं, ए बार को क्या लिख सकते हैं,
समझ में आएगा डायरेक्टली लिखेंगे तो आई कैप क्या है माइनस वन, जे कैप के साथ क्या है माइनस वन, और के कैप के साथ क्या है तो थ्री। ये आया समझ में? प्लस बी बार आई कैप के साथ माइनस वन, जे कैप तो माइनस टू, एंड के कैप तो थ्री। प्लस सी बार ये वाला आई कैप सॉरी वन, जे कैप वन, के कैप माइनस थ्री। ये समझ सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम। ओके तो अब एडिशन करना है सबका, तो माइनस वन प्लस वन जो ये वाली क्वांटिटीज है वो कॉमा करके ये वाली क्वांटिटीज, और बीच में प्लस प्लस ही है राइट। तो माइनस वन ओके माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस वन, ऐसे ये आप खुद समझ सकते हो क्या लिखा है वो। एंड देन थ्री प्लस थ्री प्लस माइनस थ्री, दैट इज माइनस टू। तो ये क्या बनेगा माइनस वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो माइनस टू, एंड ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो थ्री। अब हम इसको ना डी बार बोल देते हैं क्योंकि इसको इसका कैप कैसे लिखोगे राइट, इसीलिए इसीलिए। तो डी बार हमें क्या मिला तो माइनस वन माइनस टू थ्री। ओके तो अब डी बार का मॉड्यूलस कैसे फाइंड करोगे, माइनस वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर एंड थ्री स्क्वायर, मीन्स कि ये ए प्लस बी प्लस सी का मॉड्यूलस है, इसको हमने डी बार बोल दिया है। ये क्या बनेगा तो वन प्लस फोर प्लस नाइन, दैट इज स्क्वायर रूट फोर्टीन। तो नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ, तो therefore यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, मीन्स की डी बार का यूनिट वेक्टर, उसको हम डी कैप से बोलते हैं, डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू डी बार अपॉन इट्स मॉड्यूलस। ये क्या मिला है हमें ये, और उसका मैग्नीट्यूड तो 14, दैट इज माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट 14 माइनस टू अपॉन स्क्वायर रूट 14 एंड थ्री अपॉन स्क्वायर रूट 14। मैंने आपको ये आगे बताया था कि इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसका अगर आप मॉड्यूलस फाइंड करोगे ना, ये वेक्टर का, ये जो डी कैप है उसका मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस आप फाइंड करोगे तो वो वन ही आएगा। चेक करते इसका मॉड्यूलस, ठीक है चेक करते हैं। चलो स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर क्या होगा, वन अपॉन फोर्टीन प्लस इसका स्क्वायर तो क्या होगा वो फोर अपॉन फोर्टीन, और इसका स्क्वायर तो क्या होगा नाइन अपॉन फोर्टीन। सब के बेसिस सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो ये 14 बेस डिनोमिनेटर एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट में। नाउ 1 प्लस 4 प्लस 9 क्या होगा 14, और डिवाइडेड बाय 14 है ही तो कैंसल आउट होके स्क्वायर रूट 1, तो आंसर क्या आया 1। सी दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। गॉट इट? ये सिर्फ समझने के लिए था, कोई भी आपने आगे जितने भी यूनिट वेक्टर फाइंड किया ना सबके आप मॉड्यूलस चेक कर सकते हो, मैग्नीट्यूड सबके मैग्नीट्यूड्स वन आएंगे, इसीलिए इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं।
क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट. Just a moment. Okay, which number? Right, number four. If x bar equals to 3 minus 2 1 and y bar equals to 4 minus 1 2, then find x bar dot y bar and x bar cross y bar. Now see, you can see here dot product and cross product. आप चेक कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है. ओके, अगर ये ए बार है ए बी सी एक्स बार, वाई बार है अगर पी क्यू आर, मैंने कोई नोटेशन ऐसे रैंडम ले लिए, तो एक्स बार डॉट वाई बार कैसे डिफाइन होता है? तो ए इंटू पी, जो एक्स एक्स है कोऑर्डिनेट, उनको मल्टीप्लाई करो प्लस करके बी इंटू क्यू, सॉरी बी इंटू क्यू प्लस सी इंटू आर. और ऐसे बोला था मैंने कि ये स्केलर क्वांटिटी आपको देगा आंसर में. ओके, तो डॉट प्रोडक्ट करो, तो एक्स बार डॉट वाई बार मीन्स की एक्स बार डॉट सॉरी वाई बार कैसे करोगे? तो 3 into 4 प्लस वाई वाई, तो -2 -1 प्लस 1 into 2 जेड वाले. ओके, ऐसे डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है, ये ध्यान में रखना है आपको. तो क्या होगा? 12 + 2 + 2 क्या हुआ? 16. और अब हमें फाइंड करना है एक्स बार क्रॉस वाई बार. ओके, एक्स बार क्रॉस वाई बार वो कैसे डिफाइन होता है? मैंने आपको बताया था कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग, राइट? आई कैप, हाँ यस. फिर एक्स बार जो पोजीशन बोला है उसी को लिखना है. हाँ, जो पोजीशन बोला है एक्स बार फिर वाई बार. ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम आप पहले वाई बार लिख दो फिर एक्स बार लिखोगे चल जाएगा. नो, ऐसे नहीं चलेगा. ओके, अब डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हो वो आपको पता है. कैसे सॉल्व करते हो? आई कैप दिस दिस क्वांटिटी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस. -2 -2 4 -1 into -1 -1 माइनस जे कैप दिस वन इंटू इनका डिटर्मिनेंट. तो 3 into 6 2 6 -4 into 1 4 प्लस दिस वन के कैप. के कैप के पास इनका डिटर्मिनेंट, तो 1 into -1 into 3 -3 -4 into -2 दैट इज -8. तो आई कैप के पास क्या आया? 5 माइनस जे कैप 2 प्लस के कैप -3 + 8 दैट इज 5. मीन्स की 5 आई कैप -2 j कैप + 5 k कैप. अब इसको हम पॉइंट फॉर्म में लिखे तो क्या होगा? ऐसा. क्लियर? आया समझ में ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो? ओके, इजी है. ठीक है, इतना कुछ है नहीं. अगर आपको फॉर्मूला याद है
तो कोई इतना है नहीं। नाउ एवरीवन इट्स बीन 10:57, तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं लैब, गिव द अटेंडेंस एंड यू कैन लीव द मीटिंग, गुड बाय, थैंक यू। लेक्चर में यही टॉपिक्स हम सब देखेंगे जो आज हमने देखे, एक एक एग्जांपल्स हम देख लेंगे इसके, और लैब बुक भी साथ में रखना सब। और हाँ, मुझे आपको ये बताना है, मैं आपको गूगल क्लासरूम पे लैब और लेक्चर की ना लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आपको वही लिंक से ज्वाइन करना है। हर बार लैब की है तो लैब वाली लिंक, लेक्चर बोला है तो लेक्चर वाली लिंक, ओके। I can leave. Bye. Thank you. મેડમ આ વખતે સબમિશનમાં લેક્ચર નોટ સબમિટ કરવાની રહેશે ને? હું લેક્ચર નોટ ક્યારેય નથી માંગતી, બરાબર? તમારા ઉપર છે, તમારે કેટલું સમજીને લખવું છે, તમે લખશો તો. મીત, ગીવ ધી પ્રોપર અટેન્ડન્સ પ્લીઝ, મીત, ઓકે? તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે તમારે કેટલું સમજીને લખવું છે. લખશો તો આવડશે, બાકી જોશો તો મેથ્સ ક્યારેય ના આવડે, વાંચીને નહીં આવડે, રાઈટ? તો એટલે બેટર કે તમે પ્રોપર મેનરમાં લખો, ઓકે? લેક્ચર વાઇઝ લખતા જાશો, જ્યારે લેક્ચર આપણો હોય જ છે, હું તમને ટાઈમ આપું છું લખવા માટે. ઓકે મેડમ. ट्यूटोरियल, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ओके।